आई रे खुशी। वेलकम टू द नाजियाज रेस्क्यू वर्ल्ड। गुदगुदी हो रही है। तो मतलब बिल्लियों का भी पूरा मेन्यू भाई खाने का। मस्त लाइफ। मैं भी बिल्लियों से डर रही हूँ, बिल्लियां भी मुझसे डर रही हैं। मेरे पास आप इतनी सारी बिल्लियां देख रहे हैं और मेरी भी जो है हालत बिल्ली जैसी हो रही है। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप इतनी सारी, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 के करीब बिल्लियां हैं, आप इनमें से जो चाहें अडॉप्ट कर सकते हैं, प्लस आप अपने साथ बिल्ली लेके जा सकते हैं इंडिया। दैट्स व्हाट द ओनर ऑफ दीज कैट्स वॉन्ट। जो इनकी, इन सब बिल्लियों की जो ओनर हैं नाजिया, वो चाहती हैं कि अगर कोई इंडिया इनको अपने साथ लेके जा सकता है, एक आदमी जो है वो दो कैट्स अपने साथ लेके जा सकता है, तो अगर आप कोई भी दो कैट्स इंडिया लेके जा सकते हैं, सो शी इज़ रेडी टू स्पॉन्सर दैट पर्सन। एंड इतनी प्यारी प्यारी बिल्लियों को कोई ना कैसे कह सकता है। इतने, और सबके नाम भी इतने प्यारे प्यारे, खुशी, आलू, डालू, बालू। और सबका, अच्छा सबका लंच टाइम हुआ है, सब लोग लंच कर रहे हैं अपना मस्त चिल। यानी मैं जब आई थी स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डरी हुई थी कि इतनी सारी बिल्लियों के बीच कैसे रुकूंगी, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। बट नाउ आई एम सिटिंग हियर एंड चिलिंग अराउंड बिल्लियों के साथ। कभी कोई आके वो कर रहा है, कभी कोई आके कटल कर रहा है, तो सभी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। अच्छा, और हर बिल्ली की अलग कहानी है, जिस तरह हर इंसान की अलग कहानी होती है, हर बिल्ली की अलग कहानी है, वो कहाँ से आई, कैसे आई। और माशाल्लाह नाजिया और उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से उनको रखा हुआ है, बहुत सफाई से रखा हुआ है, और अच्छे से ट्रेन भी हैं सबकी सब बिल्लियाँ। और अगर आप में से कोई है जो इनको अपने साथ इंडिया लेके जा सकता है, तो उसकी सारी प्रिपरेशंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, सारी जो प्रिपरेशन होती है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो नाजिया आपको कर कर देंगी, और इनकी बिल्लियों की भी टिकट आपको जो है वो परचेज स्पॉन्सर करके देंगी। तो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड डील। और अगर कोई इनको साथ लेके जा सकता है तो क्यों नहीं। ये बिल्लियाँ जो है घर मांगती हैं, जिस तरह हर इंसान को घर की ज़रूरत, मुझे लगता है बिल्लियों को भी जो है वो एक घर चाहिए होता है। सो अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपको, आप आ सकते हैं, नाजिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो इससे बड़ी क्या बात होगी। नवंबर, अच्छा सब डेट्स याद है, नवंबर 2019 नवंबर 2019 को ये पहली बिल्ली जो है इन्होंने रेस्क्यू की थी, जिसका नाम है परी। ये बाबू है, बाबू पैथर, पैथर। मुझे तो खैर डर लगता है बहुत, इसको पसंद है। सो क्यूट। आनी दानी भी है यहाँ पे भाई, हर नस्ल, हर नाम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये आबिदा है, वो अमीना है। ओके, तो वो, और ये दोनों बीमार हैं, तो ये सबसे अलग हैं। कुछ नहीं, देखिए काम है, डर निकलेगा। ओह जानू, पकड़िए में जो है वो, अगर कोई अपने साथ इंडिया लेकर जाते हैं या फिर अगर अडॉप्ट भी करते हैं, तो आप इसमें डाल के जो है उनको देंगी। तो ये हर बिल्ली का अपना अपना केज है, और इसमें डाल के जो है आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो कोने में है बुड्ढा, ये इसकी क्या एज है? ये 8 साल का, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अच्छा, हालत जो है ना किसी नाकाम आशिक के दिल जैसी ही है, कि आप उसको सहलाएंगे तो खाना खाएगा, बात मानेगा, वरना वहीं कोने में पड़ा रहेगा नाकाम मोहब्बत की तरह। अल्लाह। बिल्लियों का जो है वो मेन्यू तैयार हो गया। वाओ, फूड इज हियर, ये मुझे मत खाना प्लीज, तुम्हारा खाना वहाँ पे है। मुझे नहीं पता था कि बिल्लियों की दुनिया ऐसी होती है, बिल्लियों के साथ रहना कैसा होता है। इट्स सो अमेजिंग टू वॉच दिस, कि नाजिया किस तरह से जो है अपनी इन तमाम बिल्लियों के साथ इस तरह से ऐसे रहनी है, जैसे यू नो दे पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द फैमिली। इसी तरह से जिस तरह घर में फूफी, नानी, दादी, छोटू, बबलू, ये सब रहते हैं, उसी तरह से नाजिया जो है वो अपने बच्चों के साथ, यानी अपनी बिल्लियों के साथ रहती हैं यहाँ पे। यहाँ से वो जाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि अपने कैट्स को अपने साथ लेके जाएं। दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। और जिस तरह से हम अपनी फैमिली को जोड़ के रखना चाहते हैं, उसी तरह अपनी बिल्लियों को अपने साथ रखना चाहती हैं। अच्छा, नाजिया के पास टोटल 156 कैट्स हैं, और ऑलमोस्ट 60-65 कैट्स जो है वो इंडिया लेके जाना चाहती हैं अपने पास, और ऑलमोस्ट 99% कैट्स जो है वो रेस्क्यूड कैट्स हैं।
कोई कहीं से आई है, कोई कहीं से आई है, कोई इनको कहीं से किसी ने फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे कैट है, वहाँ से इसको आके ले जाएं। तो यानी हर बिल्ली की अलग अलग कहानी है और इतनी बिल्लियाँ माशाल्लाह से। तो आई थिंक मैं भी, मतलब आई एम नॉट अ कैट पर्सन, लेकिन मैं यहाँ आके बहुत इमोशनल सी हो गई हूँ इतनी सारी बिल्लियों को देख के। तो हमने ये बिल्लियाँ देखी थी जो घर के अंदर थी, अब हम जा रहे हैं ऊपर। इन्होंने छत पर भी जो है अपने वो काफ़ी सारी बिल्लियाँ रखी हुई हैं। हमारे पास मायरा खान भी है भाई, हर 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 बिल्ली अवेलेबल है। अच्छा, मायरा चुपके बैठी हुई अंदर हिरणियों की तरह। ये बेटा है। बेटा क्या कर रहे हो बेटा? ये बहुत प्यारा है, मुझ पर मत चढ़ जाना। ये उम्मीद। उम्मीद कौन सी है? अच्छा, तो आपने इसको एक जीने की नई उम्मीद दिलाई। हाँ, इसकी बहुत इसका इलाज करवाना पड़ा, तब जाके यू नो ये फिक्स हुआ और चलने लग गया। और उम्मीद हाउस कहते हैं, और इसको प्यार हुआ है मिलो से। अच्छा, उम्मीद को मोहब्बत हो गई, किससे मोहब्बत हुई? कहाँ है वो दूसरी जिससे मोहब्बत हुई इसको? अच्छा, ये महबूबा, ये ठीक हुआ ना जब इसको? ये देखो मोहब्बत जो है क्या करवा देती है इंसान से, इंसान से नहीं जानवर से, इंसान से भी। कम्प्लीटली ब्लाइंड। अरे मारो नहीं भाई, क्या इंसानों की तरह लड़ने लग जाते हैं ये लोग दो मिनट में? उसको पता नहीं है ना, वो सामने आएगी मारते जो भी कहते। अच्छा, ये भोली है एंड इसका कैट इज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकती है। सब कमरे में अंदर छुप गए हैं, कुछ खाना खाने में मसरूफ हैं, कुछ बस चिल कर रही हैं। आई थिंक बीइंग अ नॉन कैट पर्सन, शायद मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा फील नहीं कर पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, बट आई कैन स्टिल फील दोज कनेक्शंस, ठीक है, जो एक आई थिंक कैट ओनर और उसके कैट्स के दरमियान होता है। और उसके बाद जो है इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि उसको यहाँ से जाना हो लेकिन वो सोचे कि यार इन बिल्लियों का मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिफ़िकल्ट डिसीजन। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नाज़िया को इस डिसीजन में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला कि उनकी बिल्लियाँ जो है वो किसी तरीके से इंडिया पहुँच जाए उनके पास सेफली इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, और नाज़िया की ये मोहब्बत उनकी बिल्लियों के साथ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, उनकी ये डेडिकेशन, उनकी लगन, उनका ये प्यार बिल्लियों से कि बस इनको ये है, होता ना कि एक माँ बच्चे को कहती थी कि इसको ये है, इसको ये मसला है, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए, उस तरह से अपनी बिल्लियों को रेस्क्यू कर रही हैं, सेव कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं इतनी मोहब्बत से। इट्स लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ माय आईज व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी क्यूट। मैंने एक दो तीन चार बिल्लियाँ देखी हैं लेकिन इतनी सारी बिल्लियाँ एक ओनर के पास, माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लवली। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड ये अलग तरीके का व्लॉग था, ठीक है। इस व्लॉग में थोड़ी सी कनेक्शन और थोड़े से इमोशंस भी शामिल हो गए मेरे एक्चुअली, एंड इट वाज रियली नाइस विजिटिंग हियर एंड वाचिंग ऑल दीज कैट्स। तो ये थी इन बिल्लियों की स्टोरी, ठीक है, एंड इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।